हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड सब्जेक्ट एस एस टी वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थर्ड द हाउस वी लीव इन हाउस वी लीव इन घर जहाँ हम रहते हैं जिसमें हम रहते हैं ना लीव मीन्स रहना एच ओ यू एस ई हाउस इज वन ऑफ द बेसिक बी एस आई सी बेसिक नीड्स एन डबल ई डी एस नीड्स यानी आवश्यकता ऑफ मैन एम ए एन मैन हाउस यानी घर इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द मैन यानी जो घर है वह मानव की या मनुष्य की एक आधारभूत या मूलभूत आवश्यकता है

नीड्स यानी उसे आवश्यकता होती है यानी प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को एवरी वन यानि हर एक या प्रत्येक व्यक्ति को नीड्स अ प्लेस टू लीव इन यानी कि रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई घर होता है कहीं ना कहीं है ना तो उसे रहने के लिए एक आवश्यकता होती है स्थान की वी लीव इन हाउस वी यानी हम अ लाइव लिव रहना इन हाउस हम एक घर में रहते हैं और हाउस गिव्स जी आई वी ई एस गिव्स अस कम्फर्ट सी ओ एम एफ ओ आर टी कम्फर्ट यानी आराम आवर हाउस गिव्स अस कम्फर्ट हर हमारा घर हमें गिव्स यानी देता है हमें क्या कम्फर्ट यानी आराम हम कहीं भी घूम के आ जाते हैं जब अपने घर में आते हैं तो एकदम फ्री फील करते हैं ना एकदम आराम महसूस करते हैं इट प्रोटेक्ट्स पी आर ओ टी ई सी टी एस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एनिमल्स एंड एनिमीज इट प्रोटेक्ट्स यह हमारी सुरक्षा करता है प्रोटेक्ट यानी हमारी सुरक्षा करता है रक्षा करता है किससे फ्रॉम हीट यानी गर्मी से तपिश बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हम अपने घर में ही रहते हैं है ना ज़्यादा गर्मी में हम बाहर नहीं निकलते और कोल्ड यानी ज़्यादा ठंड होती है तब भी हम बाहर नहीं निकलते सर्दी से भी हमारी रक्षा करते हैं बारिश होती है तब भी हम अपने घर में रहते हैं एनिमल्स यानी जानवरों से और एनिमीज़ यानी दुश्मनों से यानी शत्रुओं से शत्रु यानी कि जो जंगली जानवर है हम उन सब से हमारी रक्षा करते हैं घर वी चोर वगैरह होते हैं उन सब से भी हमारी रक्षा करते हैं हम घर में रहते हैं वी लीव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस वी यानी हम लीव यानी रहते हैं डिफरेंट डी आई डबल एफ ए आर ए एन टी डिफरेंट यानी भिन्न के आई एन डी एस काइंड यानी प्रकार ऑफ हाउसेस हाउसेज यानी घर यानी हम विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं है ना सब अलग सबके घर अलग अलग होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं तो फर्स्ट इज़ के यू टी सी एच ए के यू टी सी एच ए कच्चा हाउस एच ओ यू एस ई कच्चा हाउस अब कच्चा हाउस कैसा होता है देखो एस ओ एमिसम हाउसेस आर मेड एम ए डी मेड ऑफ मर्ड एम यू डी मर्ड एस टी आर ए डब्लू स्टॉ एल ई ए वी स्लीवस एंड बी एम बी डब्लू बम्बू सम हाउसेज यानी कुछ घर आर मेड ऑफ कुछ घर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं मेड यानी बनाए होते हैं ना किससे बने होते हैं मड यानी गीली मिट्टी मिट्टी से बने होते हैं स्ट्रॉ यानी घास फूंस सूखी घास फूँस होती है उससे और पत्तियों से पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है ना सूखी घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियों से और बम्बू यानी बाँस से जो कच्चे घर होते हैं ना वो किससे बने होते हैं गीली मिट्टी से सूखी घास फूस से पत्तियों से और बांस से दे आर कॉल्ड सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड के यू टी सी एच ए कच्चा हाउस दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस वे क्या कहलाते हैं कच्चे घर दे आर जनरली ये ई एन ई आर ए डबल एल वाई जनरली यानी सामान्यता यस आमतौर पे फाउंड इन विलेजेस आमतौर पे ये कहाँ पाए जाते हैं अधिकतर गाँव में क्योंकि शहरों में तो घास फूस के मिट्टी के इनके घर रुक ही नहीं सकते है ना तो अधिकतर जो गांव होते हैं हमारे खेत वगैरह होते हैं उसमें झोंपड़ियाँ है वगैरह बनी होती हैं उसी को है ना वो इसी से बनी होती है गीली मिट्टी से घास फूस से पत्तियों से ओके हर्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा हाउस जो झोंपड़ी होती है वो क्या है कच्चे हाउस की एग्जाम्पल है ना फर्स्ट अ मड हाउस यानी पहला कौन सा है यानी गीली मिट्टी से बना हाउस सेकंड है स्ट्रॉ हार्ट यानी जो घास फूस से बना होता है थर्ड इज अ बम्बू हार्ट सी दिस पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस अ मड हाउस ये मिट्टी से गीली मिट्टी से बने हुए घर दिख रहे हैं आपको झोंपड़ी की तरह है ना अ मड हाउस ये गीली मिट्टी से बना हुआ है अ स्ट्रॉ हट देखो सूखी घास फूस ये बस और कुछ भी नहीं दिख रहा है सिर्फ सूखी घास फूस और बाँस से ये घर बने होते हैं अ बम्बू हट ये सिर्फ देखो बाँस ही बाँस लगे हुए हैं इस पर है ना इस तरीके से ये बम्बू हट यानी कच्चे हाउस के तीन प्रकार होते हैं फर्स्ट इज़ मड हाउस स्ट्रॉ हट एंड बम्बू हट ओके So all students read this paragraph and write in your notebook.